जी नहमदुहू व नसल्ली व नसल्लम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अवलम यरौ इला मा खलक़ल्लाहु मिन शै सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीउल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद इससे पिछली आयात में अल्लाह तबारक व ताला ने मुशरिकीन मक्का की रेशा दवानियों का भी ज़िक्र किया, अपनी उलूहियत तौहीद का भी ज़िक्र किया और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रसालत का ज़िक्र किया। बात आगे चलाने से पहले एक बात अर्ज़ कर दूँ, आप अगर इस कायनात पर गौर करें, कोई चीज़ आप मुराद ले लें, मिसाल के तौर पर आपके सामने ये कैमरा है, इसके अंदर मतलब ये है कि वो डिस्क भी है जिस पर रिकॉर्ड होता है, माइक भी है जो रिकॉर्ड करता है, कैमरा भी है जो पिक्चर को देखता है और इसके अंदर और बहुत सारे पुर्जे हैं। मजमूई तौर पर कैमरे की बनावट को कर देखें तो इसका मकसद क्या है जी? मकसद इसका ये है कि यानी पिक्चर लेना और साउंड रिकॉर्ड करना। अब जाहिर बात है कि इसकी बहुत सारे पुर्जों के ऊपर ये मुश्तमिल है, उसके अंदर बेशुमार पुर्जे हैं, इसकी बॉडी है, लेंस है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, इन सारी चीजों का मजमूई तौर पर मकसद क्या है? यानी मतलब ये तमाम इसके जितने पुर्जे मिलकर उनके बनाने का बुनियादी मकसद और गर्ज़ो ग़ाय़त क्या है? यानी मतलब ये एक फोटो लेना या साउंड रिकॉर्ड करना, वीडियो बनाना, मकसद ये है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये मकसद सिर्फ लेंस का नहीं या सिर्फ इसके माइक्रोफोन का नहीं है, हर हर पुर्जे का है जी। अगर पारी पुर्जों को निकाल दें, सिर्फ लेंस रखें तो काम कर सकता है? कोई इसके अंदर पुर्जा ना हो, सिर्फ माइक्रोफोन लगा दें तो क्या वो रिकॉर्ड कर सकता है? बिल्कुल नहीं। मजमूई तौर पर ये पूरे कैमरे की जितनी बनावट है, जितने उसके अंदर अज्ज़ा है, वो मजमूई तौर पर उनका मकसद वहीद क्या है? यानी मतलब यह है कि वीडियो बनाना, साउंड का रिकॉर्ड करना, पिक्चर का रिकॉर्ड करना, समझिए। अब हम गौर करते हैं इस पूरी कायनात पर, मजमूई तौर पर अल्लाह ताला ने पूरी कायनात पैदा की है। अब देखना यह है कि इस पूरी कायनात का मकसद वईद क्या है? अल्लाह ताला ने इस कायनात को क्यों पैदा किया? इस कायनात के हिस्से में ज़मीन भी है, आसमान भी है, फिर ज़मीन के ऊपर बेशुमार मखलूक हैं, चरिंदे हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं, फिर ऊपर आसमानी मखलूक है, मलाइका हैं, ये चांद हैं, सितारे हैं, ये सारी कायनात मजमूई तौर पर इसका मकसद क्या है? कि अल्लाह तबारक व ताला की इताअत करना। जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया, उस मकसद को पूरा करना जी, बुनियादी तौर पर मकसद ये है। अब मिसाल के तौर पर इस कायनात के पुर्जों में एक पुर्जा बनी नो इंसान है, तो हमारी बुनियाद का मकसद क्या है? वही मकसद है कि जो बाकी मखलूक के। और अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है, एक जगह फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने जिन्नो इंस का जिक्र इसलिए किया कि ये मुकल्लफ हैं। अल्लाह ताला की पूरी कायनात में जो उसने पैदा किया, कुछ जानदार हैं, कुछ बेजान हैं। जो जानदार हैं उनके अंदर कुछ वो हैं कि जिनको
अल्लाह ताला ने अकल अता फरमाई है, कुछ वो हैं जिनको अल्लाह ने अकल अता नहीं फरमाई। तो ये सब का एक अपना अपना लेवल, अपना अपना मेयार, अपनी अपनी चीज है। अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात में दो अकसाम ऐसी कि जिनको मुकल्लफ किया है। मुकल्लफ करने का माना ये है कि अल्लाह ने पाबंद किया है कि आपने ये करना है और ये नहीं करना। कुछ करने पर जिसको हम अवामिर कहते हैं, जिन चीजों से करने से मना किया हम उनको नवाही कहते हैं, या कुरान की जबान में जिन चीजों के करने का हुक्म दिया उनको मारूफ कहते हैं, जिन चीजों के करने से अल्लाह ने मना किया उनको मुनकर कहते हैं। तो इनके मुकल्लफीन जो हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने खिताब करके मुकल्लफ किया है, वो है इंसान और जिन। अल्लाह ताला फरमाता है वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने जिन्नो इंसान को इसलिए पैदा किया कि अली यारिफून, मुझे वो पहचाने। हदीस कुदसी जिसकी ये आयत तायीद करती है, रब ताला फरमाता है कुन तो कंदन मख्फियन, मैं एक मख्फी खजाना था, फअहबब तो अन उरफा, और मैंने ये पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं, मुझे लोग पहचाने, लोग मुझे जाने। तो फिर क्या किया, फखलकतुल खलका, फिर मैंने मखलूक को पैदा किया। अब उस मखलूक के अंदर मिट्टी भी है, उस मखलूक के अंदर पत्थर भी है, उस मखलूक के अंदर दरख्त भी है, उस मखलूक के अंदर दाबतुल्ला चार पांव पर चलने वाले में, पैरों पर उड़ने वाले, जमीन पर रेंगने वाले, ये पूरी कायनात क्या है। ये पूरी कायनात को अल्लाह ने किस लिए पैदा किया कि वो अल्लाह ताला की मर्जी को अपनाए, अल्लाह की मंशा को अपनाए और अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करें। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है वालो असलमा मन फिस समावात वल अर्थ, यानी जमीन व आसमान में जो कुछ भी है ये सारे के सारे अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज होते हैं, अल्लाह की राह में ये अपना सर झुकाते हैं, अल्लाह की राह में ये अपनी इताअत और गुलामी का इतराफ करते हैं, तौहन व करहन, या खुशी से, जैसे कि हम जितने लोग यहां आए खुशी से आए ना जी, नमाज पढ़ते हैं तो क्या है, खुशी से, रोजा रखते हैं खुशी से, कुरान पढ़ते हैं खुशी से, और कुछ वो भी हैं कि जो खुशी से कोई काम नहीं करते लेकिन अल्लाह ताला उनसे जबरदस्ती करवाता है जी। दूसरी जगह एक और जगह अल्लाह ताला इशारत फरमाता है वा इम मिन शैयन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, कोई ऐसी चीज नहीं है जो अल्लाह की तस्बीह बयान ना करती हो, वलाकिल्ला तफकहून तस्बीहहुम, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते, तुम उनकी जुबान से आशना हो, उनके तरीके तस्बीह से आशना हो, तुम्हें उसका पता नहीं। इसका मतलब यह है कि इस पूरी कायनात के अंदर जो चीजें, ये सब कुछ अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, अल्लाह की इताअत के मुताबिक चल रही हैं और जैसा उसका मंशा उसके मुताबिक। मिसाल के तौर पर हम नमाज पढ़ते हैं, ज़रदुशी पढ़िए, अच्छा नमाज के अंदर बुनियादी जो अरकान है, जो पढ़ने का रुकन है नमाज के अंदर, वो क्या है, वो सिर्फ एक है, वो क्या है, करात। बाकी जितने नमाज के अंदर फराइज़ हैं वो क्या है, कयाम,
क्याम के मानना क्या है? खड़े होना, रुकू है, तस्बीहें पढ़ना फर्ज वाजिब नहीं है, वो तो सुन्नत है। फर्ज क्या है? रुकू है, उसके बाद सजदा है, कादा बैठना है, ये फराइज हैं। और उसके बाद ये है कि नमाज को कंप्लीट करना, नमाज से फारिग होना। अब नमाज के अंदर कयाम है जी, इसका मतलब है कि कयाम भी इबादत की तर्ज में से एक इबादत है। अब देखें कि इबादत का माना क्या है। इबादत के माना होते हैं इजहारे तजल्लुल, यानी अपनी कम आएगी का, अपनी जिल्लत का इजहार करना। ये जिल्लत पंजाबी वाली नहीं, अरबी वाली है। उसके माना होते हैं कम आएगी या मैं कुछ नहीं है जी, कम आएगी का इजहार करना, वो मैं कुछ नहीं, जो कुछ है तू ही है, तो इसको कहते हैं इबादत। अब उस इबादत का पहला रुकन क्या है? क्याम। तो एक तरीका ये है कि जो बंदा हाथ बांध कर किसी के सामने खड़ा होता है ना, तो आप क्या फील करते हैं? बड़ा वो है जिसके सामने खड़ा है, या बड़ा ये है जो खड़ा हुआ है? जिसके सामने खड़ा होता है ना। तो यहां से एक तो पता चल गया कि अदब का तरीका जो खड़ा होने का, वो हाथ बांध कर ही होता है। हाथ छोड़कर खड़ा है, हमें क्या पता वो किसी के अदब के लिए खड़ा या वैसे ही बेचारा खड़ा है। तो बहरहाल कयाम ये इजारे तजल्लुल है। खड़े होकर हम इस बात का इजहार करते हैं बारी ताला, हम कुछ नहीं है, तू ही है, हम तेरी बारगाह में दस बस्ता खड़े हैं जी। कभी किसी की ताजीम बजाला लाई जाती है झुककर, कभी क्याम में खड़े होकर दस बस्ता होकर किसी की ताजीम बजाया लाई जाती है, कभी झुककर, उसकी सूरत रुकू है, फिर हम रुकू में झुकते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करते हैं बड़ा तू ही है, हम तेरी बारगाह में सर नगू हैं। फिर उससे बढ़कर आगे क्या चीज आती है? यानी आदमी कादा बैठता है जी, दो जानू। आप अगर जाएं को बुजुर्गों की महफिल में, बुजुर्ग बैठे हों तो अदब का तकाजा ये है कि बैठने वाले कैसे बैठते हैं? दो जानू बैठते हैं। उसका मतलब क्या है? असल बड़ी शख्सियत वो है कि जिसके सामने ये बैठे हुए। हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जब तुम अल्लाह की इबादत करो तो कैसे करो? कहते हैं कि अंताबुदा रब्बका कान्नाका तरा हो, यानी तुम ऐसे अल्लाह ताला की इबादत करो कि तुम उसको देख रहे हो। जैसे बंदा किसी जात को देखता है उसके अदब के लिए खड़ा होता है, कभी झुक कर मतलब उसकी
तादीम बजा लाता है, कभी उसकी महफिल में बैठने का मौका मिले तो दुजानू होकर बैठता है, और कभी ऐसे होता है कि आखिरी हद पार करता है कि उसकी बारगाह में अपना सर झुका देता है, जमीन पर रख देता है। तो फरमाया कि तुम अल्लाह की इबादत यूं करो का तरह हो गया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फाइल लम तकुन तरा हो, अगर तुम ये नहीं कर सकते कि अल्लाह तआला को देख नहीं सकते, तो फिर ये यकीन कर लो फाइनहु यराका, वो तुम्हें देख रहा है। तुम अगर नहीं देख सकते तो ये तसव्वुर कर लो कि वो तुम्हें देख रहा। अब अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी आजजी का इजहार करना, इसके कितने तरीके, या कयाम में, या रकू में, या कादे में, या सजदे में। अब आप अपनी जात से हटकर कायनात पर गौर करो, दरख्त क्या करते हैं, ये सब आपको क़याम में नजर आते हैं, जितने चौपाए हैं, गायें, भैंसें, ऊंट हैं, ये जो भी हैं, ये आपको किस पोजीशन में नजर आते हैं, रकू में। मसलन देखे ना, आप रकू करते हैं तो कैसे करते हैं जी, आपका पिछला यानी बैक और सर एक लेवल में होते हैं, तो उसको रुकू कहते हैं। ये रुकू नहीं कि आदमी सर ज्यादा जो काल ले, पीछे बूंदा उठा ले आदमी, या ये है कि वो पीछे से नीचे तो सर यूं रखा नहीं, बल्कि तरीका ये है कि बिल्कुल लेवल होना चाहिए। तो जितने चौपाए हैं हम इनको किस पोजीशन में देखते हैं, ये रकू में। ये कभी आप अपने कुत्ते को बैठे हुए देखा है, बिल्ली को बैठे हुए देखा है, शेर वगैरह को बैठे हुए देखा है, तो बिल्कुल पता लगता है कि तहियात पढ़ रहे हैं, तशहुद की हालत में। और जितने हशरातुल अर्द हैं, ये कीड़े मकोड़े सांप, ये किस पोजीशन में नजर आते हैं, सजदे में। तो बताना ये है कि अल्लाह ताला ने इस तरीके से, और यही वजह है कि अल्लाह ने हमें वो नमाज अता फरमाई जिसने पूरी कायनात की इबादत के तरीके सारे जमा कर दिए। और ये जो अरकान है, ये फिजिकल एक पोजीशन का नाम है, कुछ पढ़ने का नाम नहीं। नमाज के अंदर क्याम फर्ज है, रुकू फर्ज है, सजदा फर्ज है, वो जो तस्बीहें पढ़ते हैं वो सुन्नत है, कादा फर्ज है, वो जो हम तहियात पढ़ते हैं वो वाजिब फर्ज नहीं है, बैठना फर्ज है। बात समझ गए जी? तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी कायनात अल्लाह ताला की बारगाह में सर झुकाए है, अल्लाह ताला की बारगाह में इबादत के अंदर मसरूफ है। अब सवाल ये है कि जब पूरी कायनात, जिनको अल्लाह ताला ने अकल नहीं दी, शऊर नहीं दिया, वो हम वक्त अल्लाह
की तादाद के अंदर मौजूद है, तो फिर तुफ ऐसी शख्सियत पर के जिसको अल्लाह ने अकल भी दी है, दनाई भी दी, इल्म भी दिया, और वो उसकी याद से गाफिल हो। इसी बात को अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है अलम अवलम यरौ इल्ला मा खलकल्लाहु मिन शय, क्या तुम नहीं देखते, क्या तुमने नहीं देखा किसको, इला मा खलक अल्लाह, जितनी भी चीजें अल्लाह ने पैदा की हैं क्या तुमने उनको देखा नहीं है। अब उसके अंदर जमादात भी हैं, नबातात भी हैं, उसके अंदर हैवानात भी हैं, इंसान भी हैं, सारी चीजें। मिन शैयन, क्या तुमने फरमाया कि अवलम यरौ, क्या उन लोगों ने गैब का सिगान, क्या लोगों ने नहीं देखा किसको, इला मा खलक अल्लाह, उस चीज की तरफ जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया। मीन शाही, अब यह एक सवाल पैदा होता है, इससे मुराद इंसान भी हैं, जिन भी हैं, फरिश्ते भी हैं। तो अरबी जुबान का कायदा ये है कि ये इसमें अस्माए मौसूला, अस्माए मौसूला, मन भी है और मा भी है। मन इस्तेमाल होता है ज़वेल अकूल के लिए, मन इस्तेमाल होता है उन चीजों के लिए कि जिनको अल्लाह ने अकल दी है, इन इंसानों के लिए, जिन्नों के लिए, फरिश्तों के लिए, अल्लाह की ज़ात के लिए। ये लफ्ज़ मन इस्तेमाल होता है, और इनके अलावा जो चीजें उनके लफ्ज इस्तेमाल होता है मा, गैर ज़बिल अकूल के लिए मा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो यहां रब ताला फरमाता है अवलम यरौ इला मा खलकल्लाह, यानी उन चीजों को कि जिनको अल्लाह ने पैदा किया। मां क्यों फरमाया है? कभी कभी अरबी जुबान का कायदा ये है कि जब मर्द और औरतें जमा हूं एक जगह, तो तकरीबन एक सीगा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अक्सर बेशतर कलाम पाक में अल्लाह तबारक तआला जहां भी कहीं खिताब का सीगा फरमाया है मर्दों के लिए, तो क्या औरतों पर नमाज फर्ज नहीं है? अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, ईमान वालों नमाज पढ़ो, रोजे रखो। तो क्या औरतों के हुक्म नहीं, सीगा तो मर्दों का है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हें पता नहीं है कि कुतिबा अलैकुमुस सियाम, अल्लाह ने तुम पर रोजे फर्ज किए, कुम मुज़क्कर की ज़मीर है, तो क्या औरतों पर फर्ज नहीं? तकरीबन
उसके अंदर वो भी शामिल है। अब इसी तरीके से जब हम कायनात पर गौर करते हैं तो जमील अकूल थोड़े हैं, गैर जमील अकूल ज्यादा है। ये परिंदे हैं, ये मछलियां हैं, ये शजर हजर हैं, ये बाकी बेशुमार चीजें हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने लफ्ज़ मा इस्तेमाल किया अक्सरियत की बुनियाद पर। अल अक्सरो फी हुक्मे कुल, जो कभी कभी जो अक्सर होता है उसको कुल तसव्वुर किया जाता है। इसलिए अल्लाह ने लफ्ज़ से मा इस्तेमाल किया है, मन भी इसके अंदर शामिल है, मिन शाय के अंदर। अल्लाह ताला फरमाता है कि अलम यरो, क्या इन लोगों ने काफिरों ने जो भी नहीं देखा, इलाम मा खलक अल्लाह मिन शाय, जो भी चीज अल्लाह ने पैदा किया है को एक नहीं, मेरी पहचान का नजरिया सिर्फ इंसान नहीं है, सिर्फ मौलवी नहीं है या सिर्फ फरिश्ते नहीं है, ये शजर व हजर भी मेरी मौजूदगी पर गवाही देते हैं, ये पत्थर भी, ये जमीन भी, ये नबातात भी, ये पहाड़ भी, जितनी चीजें ये सब मेरे वजूद पर मेरी तौहीद की गवाह है। अब फरमा के लहू जिल्लुन, यानी जितनी चीजें हम जो चीजें देखते हैं दो तरह की हैं, या उनका तना या तना नहीं है। अगर उसका तना है तो फिर उसका साया होगा, जिस तरीके से कलाम पाक में अल्लाह ताला फरमाता है व नजम व शजरो यस्जुदान, या नजम से मुराद सितारे नहीं है, नजम से मुराद या वो चीजें मुराद हैं कि जिनकी बेल होती है, तना नहीं होता। तो नजम से मुराद ये है कि वो जो जमीन पर बिखरी हुई चीजें होती हैं नबातात, और शजर से मुराद जिनका तना होता है, तने के ऊपर खड़े होते हैं। तो फरमाया वो दोनों सजदा करते हैं, वो जो जमीन पर लेटी हुई है ना मतलब शक्ल में, वो भी सजदा रेज है, और आसमान जो दरख्त है वो भी सजदा करते हैं। अच्छा, तो दरख्तों को तो हम कभी झुके नहीं देखा, दरख्त कैसे सजदा करते हैं। इरशाद होता है कि हर शय जिसको हमने पैदा किया लहू जिल, उसका साया है, जैसे कशजरिन व जबालिन, जैसे दरख्तों का भी साया है और पहाड़ों का भी साया है। तो असल में वो उनका साया अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होता है। कदे कदे तुझे क्या ना ऐ बंदा तखियात ना बैठ सके ते कुर्सी बैठ के नमाज पढ़ने, हाँ तो मजबूरी ना जरा। अब वो जमीन पर सजदा तो कर नहीं सकते, और बाद बंदे ऐसे भी नखरा करते हैं, वो कुर्सी रखी तो खड़े हुए तो फिर रुकू किया, असल
जड़ी चीज है वो तो हो नहीं सकती जनाब। नमाज के अंदर जो असल चीज है वो सजदा है, क्याम होता है रुकू के लिए, क्याम नहीं होगा तो रुकू कैसे करेंगे भाई, खड़े नहीं होंगे तो झुकेंगे कैसे, झुकेंगे नहीं तो जमीन पर कैसे जाएंगे। अब खड़े खड़े तो बंदा नहीं जा सकता ना, जमीन पर जाने के लिए सजदा रेज होने के लिए क्याम के बाद रकू होगा, रकू के बाद सजदा होगा। असल इबादत जो है वो तो आप कर नहीं सकते जी, एवं नखरे मचाए। तो शरीयत का उसूल ये है कि अगर आदमी माजूर है जो सजदा नहीं कर सकता तो फिर ना क्याम की जरूरत है ना रुकू की जरूरत है जी, फिर आराम नाल टिक के वो कुर्सी दे नमाज पढ़ लो। हाँ जी, लोगों की सफा भी खराब ना करो। अब जब वो खड़े होते हैं सब के अंदर तो सब वाले पीछे खड़े होते हैं, ये कुर्सी के आगे खड़े होते हैं, अब सब तोड़ दी और ये हराम है। अब उसके बाद अगर कुर्सी पीछे रखें कि हम जब खड़े हूं तो लाइन में हूं तो फिर जैसे बहस कर सो उस सारी सफ आगे बैठी है आप पीछे बैठे हुए, फिर आपने सफ का सत्यानाश कर दिया, एक करने लोड़ के नहीं उसे दी लाइन जाओ कुर्सी तो चुप करके आराम नाल बह के नमाज पढ़ो, सब सीधी रखो ना क्याम दी हालत बैठन दी हालत सब टूटती है ना सजदे दी ना कादे दी हालत करे दरम्यान में मसला आपको बता दिया। बहरहाल फरमाया कि तुम्हें पता है कि हर चीज का हमने साया पैदा किया और असल में जो झुक नहीं सकते ना फिर उनका साया सजदा करता है। आप फरमाया कि साया वो सजदा किधर करे, सजदा किस तरफ होता है, किबले की तरफ होता है ना जी। ये किबला मगरब की तरफ है, सूरज मशरक तो चढ़िया ते साया किधर हो सी, उस तरफ हो सी ना, तो ये सूरज मगरब की तरफ है साया मशरक काबा मशरक की तरफ है तो फिर कैसे होगा। इसलिए निजाम ये है दोपहर से पहले आपका साया और तरफ होता है, जवाल के बाद आपका साया और तरफ होता है जी। फरमाया कि जो इधर है उनका भी एक वक्त आता साया उधर हो जाता है, फिर अल्लाह ताला ने सूरज का निजाम रखा है, सूरज घूमता है। अब मतलब है कि जनूब की तरफ है तो साया किधर होगा, शमाल की तरफ, और ये भी हो सकता है कि निजाम मौजूद है खाना काबा किधर है, शमाल की तरफ है,
تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ میری اس مخلوق کی طرف جو میں نے جو بھی مخلوق پیدا کی ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اس کا سایہ ہے. جیسے کہ دوسری پڑھیے, جیسے کہ درخت ہیں اور پہاڑ ہیں, پھر کیا ہوتا ہے؟ یتفیعو, اب کیا ہوتا ہے؟ سایہ کدھر ہوتا ہے؟ یعنی ہر چیز کا, درخت کو پیدا کیا نا, ان کا سایہ ہوتا ہے, پھر درخت کدھر ہوتے ہیں؟ یتفیعو, پھر ان کا محلان ہوتا ہے, تتمیلو, وہ جھکتے ہیں کدھر؟ ظلالہ, یتفیعو ظلالہم, ان کے جو سائے نہیں وہ پھر جھکتے ہیں زمین کی طرف. جی انل یمین نے وہ شمائی, کبھی وہ دائیں طرف ہوتے ہیں کبھی بائیں طرف ہوتے ہیں, کبھی وہ دائیں طرف کبھی بائیں طرف ہوتے ہیں. اب جب صبح سورج ہوتا ہے تو دائیں طرف ہوتے ہیں اور زوال کے بعد بائیں طرف ہوتے ہیں, یا یوں سمجھیے کبھی جب خانہ کعبہ بائیں طرف ہو تو ادھر جھکتے ہیں, دائیں طرف ہو تو ادھر بھی جھکتے ہیں. جی اب آپ اپنی جگہ سے حل تو نہیں سکتے نا, کہ جیسے ہم ادھر کھڑے ہیں تو منہ ادھر کرنا موڑ لو. جی اب درخت کے قبضے کی یہ بات نہیں ہے, تو رب تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں پتہ یہ درختوں کے سائے کیا ہیں, یہ مجھے سجدہ کرتے ہیں. یتفیعو ظلالہم, یہ جو چیزیں میں نے پیدا کی ہیں ان کے جو سائے ہیں وہ محلان رکھتے ہیں, جھکتے ہیں. انل یمین نے وہ شمائل, کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ یہاں ایک انہوں نے قاعدے کی بیان کی ہے کہ اللہ تعالی نے یمین کا سیگا واحد استعمال کی ہے اور شمائل شملہ کی جمع ہے, وہاں جمع کا سیگا استعمال کی ہے. تو دونوں جگہ یا تو واحد کا سیگا ہونا چاہیے یا جمع کا سیگا ہونا چاہیے. تو فرماتے ہیں جمع جمع شمال, شمال کا سیگا جو اللہ تعالیٰ نے جمع ذکر فرمایا, اے ان جانب بیہا, یعنی وہ دونوں طرف جھکتا ہے. کب فرمایا کہ اول النہار,
والنهار واخره, دن کے پہلے حصے میں, دن کے بعد کے حصے میں. اور دوسری بات جو فرمائی گی وہ یہ ہے, اہل عرب کے ہاں لفظ یمین استعمال ہوتا ہے بطور جنس کے, اس سے ایک بھی مراد ہوتا ہے اور کئی بھی مراد ہوتے ہیں. لفظ واحد ہوتا ہے, مراد اس سے جمع ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی دائیں طرف وہ سائے جھکتے ہیں, کبھی بائیں طرف. اب یہ جھکتے کیوں, ان کا فنکشن کیا, کیوں جھکتے ہیں, مقصد کیا؟ ارشاد فرمایا سجدن للہ, اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے. سجدن یہ حال واقع ہو رہا ہے. فرماتا ہے سجدن یتفیا, جو اوپر فرمایا نا کہ مہلان ہوتا ہے, مہلان کیوں ہوتا ہے, سجدے کی غرض سے. سجدن للہ یعنی اللہ تعالی کی, اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے. ان کے سائے کبھی ادھر ہوتے ہیں, کبھی ادھر ہوتے ہیں. آگے فرمایا کہ سجدہ کیوں کرتے ہیں, اس کی ضرورت کیا ہے. فرمایا کہ اے خادعین, یعنی خشوع و خضوع اپنی عاجزی کا, کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے. اے باری تعالیٰ اصل تو یہ ہے, تو ہمارا خالق ہے, ہم تیری بارگاہ میں جھکتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ سجدن جو کہا نا, یہ حال واقع ہو رہا ہے. کیا مطلب؟ حال ان خادعین, یعنی سجدہ کے معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے ہوئے, اپنی بے مائیگی کا اظہار کرتے ہوئے, اپنی ناتوانی کا اظہار کرتے ہوئے, اپنی کمی کا اظہار کرتے ہوئے. بما یرات, کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ جو اللہ چاہتا ہے. تو یہاں بما جو ہے اس کے شروع میں جو با ہے یہ لام کے معنی میں, لما یرات, اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں. منہم, اللہ تعالی جو ان سے چاہتا ہے نا, اللہ کی جو ڈیمانڈ ہے ان ساری چیزوں سے, وہ کیا ہے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں جھکیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں, اللہ کی بارگاہ میں اپنی کمزوری بے مائیگی کا اظہار کریں. اللہ ان سے یہ چاہتا ہے. آگے فرمایا کہ وہ کیا چیز ہے جو جھکتی ہے. فرمایا وہم داخرون, یہ جو جتنی چیزیں نا, وہم سے مراد ایز زلال, وہ جو بران یا تفیع زلال ہم, تو ہم سے مراد
वो जो जलाल अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी वो उसके जो साए है ना, वो क्यों झुकते हैं सागे रूल, यानी अपनी कम हिम्मती का, अपनी कमी का, अपनी जिल्लत का इजहार करते हुए, नाजालू मंजलतल उकला। अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि सजदा तो बंदे करते हैं भाई, ये तो जिन्नात का काम है, फरिश्तों का काम है, इंसानों का काम है भाई, ये जानवर क्या जाने सजदा क्या होता है, दरख्तों को क्या पता सजदा क्या होता है। रब ताला आगे फरमाते हैं कि नाजालू मंजलतल उकला, अल्लाह ताला ने ये हुक्म देकर इनको भी उकला के कायम मकाम किया। जिस तरीके से एक समझदार आदमी, अकलमंद आदमी को कुछ करने ना करने का हुक्म दिया जाता है, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने इन फंक्शन की बुनियाद पर इनको भी उकला की लिस्ट में शामिल करते हुए अल्लाह ने यह हुक्म दिया जाए। आगे ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये आयत सजदा है, ये आप याद रखें, मैं बीस बार भी पढ़ा तब यही की सजदा उस एक मजलिस में, तो बाद में जब आप नमाज पढ़ेंगे वो इशारा तो पढ़ चुके ना, तो कोई जरूरी नहीं, जब सुबह की नमाज पढ़ना तो एक सजदा ये तिलावत का कर लेना, जो मैं आपको बता दूं। हाँ जी, जी? हाँ, सजदा अपने साहब सजदा तिलावत का तरीका ये है, कोई वो होता है कि आप कहते हैं नवाई तो सजदा तिलावत, यानी दिल में कहें कि मैं सजदा तिलावत की नियत करता हूं अल्लाह अकबर, ये सजदा किया एक ही, और अल्लाह अकबर का सर उठाया, माम कंप्लीट हो गया, कोई सलाम शराम फिर नहीं लोड़ नहीं, नहीं हाँ तस्वीर तो पढ़ेंगे ना जी, सजदा करें तस्बीह पढ़ें और अल्लाह अकबर का सर उठा लें, को सलाम अलैकुम फेरने की जरूरत नहीं है, आसान तरीका है। बारह इरशाद फरमाया, वलिल्लाह यस्जुदु मा फिस समावाति अल्लाह फरमाता है कि तुम्हें पता है अल्लाह ही के लिए सजदा करते हैं, जो कुछ भी आसमानों में और जमीनों में है, यहां भी माँ के साथ बयान किया है, इसलिए कि मजार जो है वो गैर जबिलकूल किया, जबिलकूल की मजारती नहीं है, तो तकलीबन अल्लाह ने मन के बजाय माँ का लफ्ज इस्तेमाल किया, वो सब को शामिल है, अगर मन का लफ्ज इस्तेमाल होता तो उससे समझ आता कि सिर्फ इससे मुराद इंसान और जिन मुराद
मुराद है, बाकी मखलूक मुराद नहीं है। तो फरमाया अल्लाह ही के लिए सजदा करते हैं, माफी समावत माफिल जो, जो कुछ जमीन व आसमान में है। मिन दाबतिन, अब सजदा करने के लिए या अल्लाह ताला ने किस्म एक बताई दाबा की, दबा ये दुबो जो जमीन पर चलते हैं, इंसान कहां चलते हैं, जिन्नात कहां चलते हैं, ये जितने जानवर कहां चलते हैं, जमीन का फरिश्ते नहीं, नहीं वो तो आसमां, वो तो परों पर उड़ते हैं, इसलिए उनका जिक्र अल्लाह ज्यादा कर रहा है। रब ताला फरमाता है कि फिलहाल मिन दाबत हैं, जो भी जमीन के ऊपर चलने वाले हैं वो सारे के सारे अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हैं। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने दाबा क्यों कहा, यानी उनका तस्मियतानुसम उसका नाम रखते हैं तदुबो, तदुबो यानी दाबा जमीन पर चलने वाले अलैहा ए यख्दा लहू, वो अल्लाह ताला की बात दरगाह में खुशू व खुजू का इजहार करते हैं, बेमा युरादो मेनो जो अल्लाह उनसे चाहता है, यानी अल्लाह की मंशा के मुताबिक ये जितने जमीन पर चलने वाले ये अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होते हैं और वो कुछ करते हैं जो अल्लाह इनसे चाहता है। अच्छा यहाँ एक और बात आपको बता दूं, वो आगे भी आएगी, अल्लाह ताला ने जो मखलूक पैदा की है उसको तीन अक्साम पर आप तकसीम कर सकते हैं। जरा दूसरी पढ़िए, हाँ जी, तीन तरह की मखलूक है। एक अल्लाह की मखलूक वो है कि जिनको अल्लाह ने अक्ल अता फरमाई लेकिन इख्तियार नहीं दिया, उनको ये चॉइस नहीं दी कि आपकी मर्जी ये करें या ना करें, अक्ल दी अच्छे बुरे की तमीज अता फरमाई लेकिन इख्तियार नहीं दिया। एक मखलूक वो है कि जिनको अल्लाह ताला ने अक्ल भी दी और इख्तियार भी दिया, अकल भी दी अच्छे बुरे की तमीज भी बताई। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इंसान जिनको पैदा करके क्या किया, फहदैना सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, हमने पैदा करके इनको दोनों रास्ते बता दिए, ये रास्ता सही है ये रास्ता
غلط ہے. اب بندے کی اپنی مرضی, اما شاہ کرم بھائی اما کفورا, صحیح راستے پر چل کر وہ میرا شکر گزار بندہ بنے, یا غلط راستے پر چل کر کفران نعمت کرے جی. سمجھ گئے. تیسری مخلوق وہ ہے جن کو نہ خدا نے عقل دی نہ اختیار دیا, وہ کیا ہے؟ جنوں, انس اور فرشتوں کے علاوہ, جن کو اللہ نے عقل دی اختیار نہیں دیا وہ فرشتے, جن کو اللہ نے عقل بھی دی اختیار بھی دیا وہ انسان اور جن. ان کے سوا جتنے, ان کو اللہ تبارک و تعالی نے نہ عقل دی نہ اختیار دیا. اچھا, فرشتوں کو عقل دی اختیار نہیں دیا, یعنی جس طریقے سے آپ کسی کو پابند کریں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, اس نے آپ کی مرضی رائے کو دخل نہیں ہے جی. تو جب جبرن کسی سے کام کروایا جائے, وہ اچھا کام ہو یا غلط ہو, تو کریڈٹ کس کو ملتا ہے؟ کام کرنے والے کو تو نہیں ملتا جی. بٹ انڈے کے زور سے اگر آپ کو اچھا کام کرائیں, اس نے کون سا اپنی مرضی سے کیا جی, تو اس کو ایوارڈ کائے کا ملے گا؟ ڈنڈا مار کر اسے زبردستی غلط کام کرائیں, اس کا کون سا گناہ ہے؟ انہوں نے تو اپنی مرضی سے نہیں کیا جی. لہذا فرشتوں کے لیے کوئی جزا و سزا نہیں ہے. ہما وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, کوئی مزدوری سدوری نہیں ملے گی ان کے لیے. جزا سزا اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے, چوائس نہیں ہے. فرشتے جنت میں بھی ہوں گے, دوزخ میں بھی ہوں گے. جنت میں ہوں گے تو جنت کی نعمت اسے لطف اندوز نہیں ہو سکتی جی. بات ایک نا, ہر چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز سے لطف اندوز ہوتی ہے. ہر چیز وہ چیز اس کے لیے وہ نہیں ہوتی کہ اس سے انجوائمنٹ کرے جی. فرشتے جہنم میں بھی ہوں گے, وہاں جہنم کے عذاب کی ان کو تکلیف نہیں پہنچے گی, احساس نہیں ہوگا جی. وہ جنت میں بھی ڈیوٹی پر ہوں گے, جہنم میں بھی ڈیوٹی پر ہوں گے, نہ جہنم کے عذاب کی ان کو تکلیف پہنچے گی نہ جنت کی نعمتوں کا ان کو کوئی فائدہ پہنچے گا. اللہ تعالی نے عقل دی اختیار دیا. اب یہ انسان اور جن نے, جن کو اللہ نے عقل بھی دی اختیار بھی دیا, فرمایا کہ اچھے کام کرو گے تو اچھا سلا ملے گا, غلط کام کرو گے تو ڈنڈے پڑیں گے. اب جو ان کے علاوہ مخلوق ہے, حیوانات ہیں, نہ عقل ہے
इख्तियार है, उनके अंदर अल्लाह ताला ने अपनी इताद को प्रोग्राम कर दिया। आप कोई चीज किसी चीज के अंदर फिट कर देते हैं तो वो चीज उसके अलावा कुछ और नहीं कर सकती जी, समझ गए ना। तो जानवरों के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी इताअत को, अपनी ताबेदारी को प्रोग्राम कर दिया जी। लिहाजा जानवरों के लिए कोई जजा सजा तो है नहीं। अल्लाह ताला ने, चूंकि अल्लाह ने उनको चॉइस ही नहीं दी, जजा सजा तब होती कि जब बंदे के पास चॉइस हो जी। अब उनके अल्लाह ताला ने पैदा अपनी याद के लिए किया, अब अपनी याद को उनके लिए मतलब प्रोग्राम कर दिया। अब उसी तरीके से गुजारते हैं जैसे अल्लाह ने प्रोग्राम किया, हमारा वक्त अल्लाह की इबादत के अंदर मसरूफ है। वाइम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, कोई ऐसी चीज नहीं है जो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती हो। यो सब बेहमदी अल्लाह की खूबियां बयान करती हो हर चीज। हाँ जी, तो इरशाद होता है यानी फरमाया कि दावा क्यों कहा गया जी। फरमाते हैं कि ये जो मुराद उसी ये है जो जमीन पर चलते हैं, उसके अंदर ये जिन्नात भी हैं, इंसान भी हैं, ये जानवर भी हैं जी। यख्तलहू, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको दिया ताकि वो अल्लाह ताला के लिए आजी का इजहार करें, अल्लाह की इताअत करें, अल्लाह की फरमाबरदारी करें जी। बेमा युरादो मिन्हु, यहां भी बाब मान अल्लाह क्या है, यानी जो अल्लाह उनसे चाहता है ना वो करें, और वो कर रहे हैं। फरमा गलबा फिल इतियाने बेमा ला या किलो ले कसरत थी। अब कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये माँ के साथ क्यों बयान किया जी, मन के साथ होना चाहिए, जब इसे मुराद इंसान भी मुराद है, फरिश्ते भी मुराद हैं और जिन भी मुराद हैं, तो मन होना चाहिए। तो फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह ताला ने लफ्ज माँ बयान किया है जो गैर ज़बील अकूल के लिए, व गलबा फिल इतियाने बे माँ, ये जो माँ लाया ना, ये गलबे की बुनियाद पर के मजारिटी किसकी है, अक्सरियत उनकी है कि जिनके पास अकल नहीं है जी। ला या के लोग, हालांकि वो नहीं समझते, उनके पास अकल नहीं है, लेकिन माँ के साथ क्यों बयान किया, ले कसराते ही, क्योंकि ज्यादा वो है, तो कसरत की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने मन के बजाय लफ्ज से माँ का इस्तेमाल किया। अब प्याले तो
दाबा का जिक्र किया ना, जो जमीन पर चलते हैं। आगे फरमाता है मलाइका तो और फरिश्ते, और फरिश्ते फरिश्ते तो दाबा तो लड़ता है ही नहीं जी, फरिश्ते तो परों से उठते हैं। इसलिए फिर अल्लाह ने उनका इलादा जिक्र किया, नंबर एक। दूसरी वजह फरिश्तों का इलादा जिक्र इसलिए किया कि वो अल्लाह ताला की सारी मखलूक से मुमताज हैं, बाई माना कि वो सारे के सारे मासूम हैं। जैसे कलाम पाक में आप देखें कि अल्लाह ताला मन काना अदुव्वु लिल्लाह व मलाइकातिहि व जिब्रील बिमिरकाल, अल्लाह फरमाता है कि जो लोग अल्लाह के दुश्मन है, अल्लाह के फरिश्तों के दुश्मन है, फरिश्तों में जिब्रील में काइल आई है नहीं आगे ना, तो फिर एक्स्ट्रा जिक्र किया जिब्रील व मीकाल की जरूरत क्या। फर्क मरातब ना कुनी जिंदगी की, वो फरिश्ते तो सारे हैं लेकिन उनके अपने अपने दर्जात हैं। जिब्रील अपना मकाम रखता है, मिकाईल अपना मकाम रखता है, तो खुशियत के साथ फरिश्तों में तो आ चुके थे, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला ने जिब्रील का भी नाम लिया, मिकाईल का भी नाम लिया। तो यहां फरमाया वल मलाइका इम्तियाज के लिए कि फरिश्ते इस पूरी मखलूक में मुमताज हैसियत रखते हैं, इसीलिए हमारे अहले सुन्नत के यहां भी हमारे यहां इस बात में इख्तलाफ है कि फरिश्ते ते अफजल हैं या अंबिया इकराम अफजल हैं। एक मोतदबे तादाद है उलमा की जो कहते हैं फरिश्ते अफजल हैं, यानी नबियों पर फरिश्तों की अफजलियत है, मां सबाई सरकार की जात के। हुजूर के अलावा जितने नबी उनके और फरिश्तों के दरमियान इख्तलाफ मौजूद है, लेकिन जमहूर का नजरिया ये है कि अंबियाए कराम जो है वो फरिश्तों से अफजल हैं, उसका इख्तलाफ से अफजल हैं। खवासे बशर कौन है? नबी और रसूल है। खवासे मलाइका कौन है? जो फरिश्तों के अंदर रसूल है। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह यस्तफी मिनल मलाइकाति रसूलन व मिनन नास, अल्लाह ताला फरिश्तों से भी जिसको चाहता है रसूल बनाता है और इंसानों में भी। इसका मतलब है फरिश्तों में भी रसूल नबी नहीं होते जी। हमारे अक्सर बेशतर दो चीजों के दरमियान जो निस्बत होती है ना, उसकी चार किस्में, या नस्बत तसावी होती है
वो दोनों यकसान है, या नस्बत तबाइन होती है, जैसे रात और दिन में, अगर रात है तो दिन नहीं, दिन है तो रात नहीं, या आम खास मुतलक होती है, यानी इस तरफ से तो उसमें पाई जाती है लेकिन उधर से इधर नहीं पाई जाती, या होती है आम खास मिन वजहिन, हाँ जी, एक वजह से इनके अफराद उनमें पाए जाते हैं, उनके अफराद इनमें पाए जाते हैं। बहरहाल बाज कहते हैं कि ये नबी और रसूल में आम खास की मुतलक की निस्बत है, यानी हर रसूल नबी है लेकिन हर नबी रसूल नहीं है, हर रसूल नबी है लेकिन हर नबी रसूल नहीं है। ये है बनी नो इंसानों में, बनी नो इंसानों में, जब फरिश्तों की तरफ निस्बत करें तो फिर उसका माना ये है कि फरिश्ते जो है वो रसूल हैं, नबी नहीं। इंसानों के अंदर नबी भी हैं और रसूल भी हैं, तो या मतलब ये आम खास की मुतलक जब पाई गई तो अब वो नबुवत की जगह वहां रसालत ने ली। तो बहरहाल ये किलादा मसला जी। दूसरी बात ये है कि जितने अफजलियत के मसले न नबी अफजल हैं या फरिश्ते अफजल हैं, फलां अफजल है या फलां अफजल है, फलां अफजल है या फलां अफजल है, ये जितने मसाले सारे जनी हैं और कोई इनके बारे में ना कब्र में सवाल होगा ना हशर में सवाल होगा, अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा फरिश्ते अफजल हैं या नबी अफजल हैं, रसूल अफजल हैं, कोई सवाल नहीं। हत्ता के सरकार की अफजलियत का भी सवाल नहीं होगा जी, रसूलों में तुम किसको अफजल समझते हो, कोई सवाल नहीं। तो जब नबियों में सवाल नहीं तो नबियों के बाद किसी के बारे में कैसे सवाल हो सकता है, मौलवियों ने पता नहीं क्या घोंसले बचा रखे हैं जी। ये कोई मसाइल वो नहीं है कि जिनका जरूरियात दीन के साथ ताल्लुक हो, उसूल दीन के साथ, उसूल दीन उसको कहते हैं कि जिसके मानने से बंदा मुसलमान होता है, ना माने तो काफिर होता है। अब उलमा में जो कहते हैं कि फरिश्ते अफजल हैं फिर काफिर हो गए, ऐसी बात नहीं है। तो बहरहाल ये अफजली को अनुमान पर जितने भी मसाले सारे धनी हैं, इनमें को कति यकीन नहीं है, कति यकीनी सिर्फ
اصول دین ہے. اللہ ایک ہے, اللہ کے فرشتے برحق ہیں, کتابیں برحق ہیں, رسول اور نبی سارے برحق ہیں, اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی برحق ہے, قبر کی زندگی حساب و کتاب برحق ہے, جنت دوزخ کی نعمتیں اور عذاب برحق ہے. یہ وہ چیزیں جن کے ماننے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے, ان میں سے کسی ایک کا انکار کرے تو اسلام سے گیا جی. اور وہ کیا ہے؟ آمنتو باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اصل اسلام یہی ہے, عقائد یہی ہیں. ان پر بندے کو کار بند ہونا چاہیے, ان میں کسی ایک کا انکار کریں بندہ دائرہ اسلام سے خارج. کسی کتاب کا انکار کفر ہے مطلقاً, فرشتے کے وجود کا انکار کفر ہے, کسی نبی رسول کا انکار کفر ہے, اور کسی بھی نبی کی توہین کفر ہے. صرف سرکار کی ذات نہیں, بحمد تعالی ہم جیسے حضور کی عزت احترام کو ضروری سمجھتے ہیں, ہر نبی کی عزت و عظمت کو ضروری سمجھتے ہیں. جیسے ہمارے نبی کا حضور کی توہین کرنے والا کافر ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے والا بھی کافر ہے, موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے والا کافر ہے. لا نفر کو بینا اللہ فرماتا ہے نا, وَكُلُّنْ آمَنَا بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِ وَكُتُبِ وَرُسُلِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِ. ہم رسولوں میں تفریق کرتے ہی نہیں, بھائی ایک نو مننے تو دوسرے نو نہ مننے, ایسی بات نہیں ہے جیسی یہود و نصارا کرتے. سمجھ گئے؟ والملائکہ فرمایا کہ اور فرشتے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں. فرمایا کہ ان کا علیحدہ ذکر کیوں کیا؟ وَخَصَّصَهُمْ بِذِكْرِ تَفْضِيلًا, ان کا خصوصیت کے ساتھ ذکر اس لیے کیا کہ یہ سب پر فضیلت رکھتے ہیں, ان کی افضلیت فضیلت کی بنیاد پر. اور فضیلت ان کی کیا آگے وہ ارشاد کریں گے. فرمایا وہم لا یستکبرون, انسانوں کے اندر تو ملے جلے لوگ ہیں نا, کو ماننے والے کو نہ مانے, من کو کافروں و من کو مومن و من کو کافر, تم جو انسان ہیں ان کے اندر مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں, جنات کے اندر مومن بھی ہیں
काफर भी हैं। फरिश्ते वो मखलूक हैं कि जिनके अंदर कुफर नाम की कोई चीज नहीं। फरमाया वहुम ला यस्तकबिरून, और फरिश्तों की वो एक जमात है या ला यतकब्बरून अन इबादते ही, वो अल्लाह ताला की इबादत में कोताही नहीं करते। बिल्कुल आगे उनका जिक्र आता है, मामला बड़ा मजेदार चल रहा है जनाब। तो बात तो मैंने बिल्कुल आगे तक रुकू तक की थी, टाइम हो गया इसी पे इक्तफा करते हैं जनाब। आगे फिर अल्लाह ये बात आज कर देते हैं जी। हाँ, फरिश्ते फरमाया यखाफूना, फरिश्ते निडर नहीं है, बेखौफ नहीं है इंसानों की तरह। फरिश्तों का कमाल ये है यखाफूना, अय्यल मलाइका तो हालुम मिन ज़मीर यस्तकबिरून। ये यखाफूना जो है, फरमाया ये आगे फरमाया कि ये हाल वाकई हो रहा है, इस हाल में वो अल्लाह ताला से खौफ करते हैं। क्यों? इसलिए कि वो तो तकब्बुर नहीं करते जी, खायफ हैं। फरिश्ता तो कहते हैं हाल उन मिन ज़मीर मुस्तकबिर, ये यखाफून हाल वाकई हो रहा है मुस्तकबिरून के अंदर जो हम ज़मीर है वो ज़ुलाल है, ये उसका हाल है। अच्छा, डरते किससे? रब्बा मिन फौकिहिम, अपने रब से हम वक्त डरते हैं। मिन फौकिहिम कि अल्लाह ताला के ऊपर से उन पर नाराजगी का इजहार न करे, अजाब नाजल न करे। फरमाया के हालुम मिनहुम, ये रब्बा हम जो फरमाया, ये रब्बा के ऊपर जो नसब है तो ये किस वजह, ये भी हाल की वजह से है। ये हाल वाकई हो रहा है ये हुम ज़मीर से जी, वह हुम ला यस्तकबिरून, हुम ज़ुलहाल है और रब्बा हुम उसका हाल है जी। फरमाया रब्बा मिन फौकिहिम हालुन मिन हुम, ये हुम ज़मीर जो पीछे उससे हाल वाकई हो रहा है। ए आलियन अलैहिम, यानी उस अज़ाब से डरते हैं जो ऊपर से आता है जी। बिल काहरे, यानी मतलब ये है कि अल्लाह ताला जब किसी पर नाराज होता है, जैसे अल्लाह फरमाता बहुबल काहिरो फौका बहुबल कायर फौका इबादी, वो अपने बंदू पर गालिब है। तो लफ्ज़ फौक इस्तेमाल किया ना, तो फरमाते यखाफून रब
वो अपने अल्लाह से डरते हैं, उसका कार जो होता है ना वो ऊपर से आता है, उससे खौफ करते हैं। अब एक आदमी के जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि इसका मतलब है फरिश्ते भी फिर इसका मतलब है वो अजाब से जब डरते हैं ना कि जब उनके क्या को नाफरमानी का इम्कान है वो गुनाह कर सकते हैं। अल्लाह ताला इसका इजाला फरमा रहा है, फरमाया ये बात नहीं है। फरिश्ते क्या करते हैं, وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, फरिश्ते वही करते हैं जो उनको ऑर्डर दिया जाता है। फरिश्ते के हाँ नक्श की ऐब की बात नहीं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह से डरते हैं, बावजूद इसके कि उनके पास चॉइस नहीं है, गुनाह का इम्कान नहीं है, गलती का इम्कान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह की कहारियत अल्लाह की जबारियत से बेखौफ नहीं होते। तो फरिश्ते अल्लाह से नहीं डरते, ये इंसान और जिन बेखौफ है जिन्हें अल्लाह ताला की ज़ात से डर नहीं है, खौफ नहीं है। तो फरमाया कि फरिश्तों का काम ये है, फरमाया कि भैया फालून नमायो मारून, वो वही करते हैं कि जिसका उनको हुक्म दिया जाता है। ये नस्से कती नस्से सरी है तमाम फरिश्तों के मासूम होने में, सारे के सारे फरिश्ते मासूम में कोई फरिश्ता गलती नहीं कर सकता। वो बात कर रहा था वो बीच में रहेगी। अब अफजलियत के मामले में हमारे अकायद की किताबों के अंदर मौजूद है, वो ये कहते हैं जो खवास से बशर है ना वो खवास से मलाइका से खवास बशर खवास मलाइका से अफजल है, और खवास मलाइका आमतुल बशर से अफजल है। जो यानी खवास जो बशर है ना वो खवास मलाइका से अफजल है, यानी जितने बनी नौ इंसान के अंदर नबी और रसूल हैं वो उन फरिश्तों से अफजल हैं जो फरिश्ते रसूल हैं। वह खवास मलाइका और जो खास फरिश्ते हैं रसूल हैं वो नबियों के अलावा आमतुल बशर से अफजल है। यानी मतलब ये है कि जो फरिश्ते हैं ना वो नबियों के सिवा जितने भी हैं वो गौस हैं, कुतुब हैं, अब्दाल हैं, कसे बाशिद, उनसे वो फरिश्ते क्या हैं अफजल। अब रह गया कि खवास से बशर खवास से मलाइका से अफजल, खवास से मलाइका
आमतुल बशर से अफजल। अब आमतुल मलाइका भी हैं तो आमतुल बशर भी हैं, अब इनका क्या बनेगा? वह आमतुल बशरे अफजल मिन आमतिल मलाइका। आमा बशर जो है वो आम मलाइका से मासूम उधर है, अफजलियत इधर है। या मजमूई तौर पर यानी मतलब है कि आमतुल जो बशर हैं वो आमा मलाइका से अफजल है। फरिश्ते तो सारे मासूम है जी। इसका मतलब है कि ऐसे भी मुमकिन है कि गैर मासूम मासूमों से अफजल। ये अकीदा अहले सुन्नत व जमात का शरा कायद के अंदर तरीकन ये बात मौजूद है। तो अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह फरमाता है कि फरिश्ते क्या है, या फालूनुमा योमारून, वो वही करते हैं जिसका हुक्म दिया जाता है। हर फरिश्ता मासूम है जी। मासूम होने के बावजूद अल्लाह से डरते हैं, तो हम गैर मासूम होने के बावजूद अल्लाह से ना डरें तो हम से बढ़कर बदकिस्मत कौन है? अल्लाह अपने हबीब के सदके फजल व करम फरमाए। आगे फिर खालिस बड़े गजब की बात इंशाल्लाह आ रही है अल्लाह की तौहीद के बारे में बड़ी डिटेल के साथ और बुतों के बारे में डिटेल के साथ तर्ज करेंगे। अल्लाह अपने हबीब के सदके के मुझे और आपको सबको कुरान पढ़ने की अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। मैं निशान लाना फिर बोलना जा जी। अगले हफ्ते जनाब शुरू हो सी 51 आयत इसका मतलब 48-49 फिर 3 आयतां दर्ज कीता है जनाब। तो अगला हफ्ता इंशाल्लाह 51 दुआ फरमाएं। अच्छा जी, सभी आजाद एक बार सूरह फातिहा 3 बार सूरह इखलास पढ़ें, इनके लिए भी दुआ फरमाएं और हमारे फलस्तीन के शहदा हैं उनके लिए भी दुआ फरमाएं और भी जान की मुसलमान दुनिया से उस्सत हुए सबकी मग़फ़िरत की दुआ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
نحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا بارك وسلم دعا فرمائیں مولا تعالیٰ آپ نے حبیب کے صدقے جو کچھ آج کے درس میں ہم نے بیان کیا قرآن کی آیات کو پڑھا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جو ہم نے سورہ فاتحہ اخلاص وغیرہ پڑھی ان سب کا ثواب اپنی بارگاہ میں اس کو مقبولیت عطا فرماتے ہوئے جتنے بھی مرحومین نے جن کا ذکر کیا گیا مولا سب کی برزخ کی زندگی کو آسان فرما عاقبت کی زندگی کو آسان فرما قیامت کے دن جنت اور فردوس عطا فرما اور جو بھی ان کے پسماند گائیں مولا ان کو توفیق صبر عطا فرما آپ اپنی رحمت سے ان کی صبر کا ان کو صلہ عطا فرما جو نعمت چھنی ہے مولا تعالیٰ اس سے نعم البدل دوسری نعمت عطا فرما دین دنیا میں سرخرو فرما مولا تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا کرم فرما مولا تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرما تیری ذات کے سوا بھری دنیا میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہے کوئی ان کا حامی نہیں ہے مولا تیری ذات ہے اپنے حبیب کے صدقے کے غیب سے ان کی مدد فرما لوگوں کے مسلمانوں کے دل ان کی طرف پھیر دے یہ جو سوئی قوم ہے ان کو ان کی طرف دلوں کو پھیر دے مولا تا اپنے نبی کے صدقے فضل و کرم فرما وہ دو چار دن سے میں نے وہ ٹی وی میں دیکھا کہ ایک نیا مسلمان ملک دریافت ہوا ہے ہاں وہ غرق ہوں وہ پہلے 57 نے کون سا کیا جو ایک کرے گا جی یہ 57 کے 57 مسلمانوں کے ملک ہو کر آپس میں اتحاد نہیں ہے اتفاق نہیں ہے اور دنیا کفر ساری یکجا ہے جناب اللہ اپنے بھی صدقے میں توفیق عطا فرمائے کیا میں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں ایک دوسرے کے سکھ دکھ کو پہچانے اللہ اپنے نبی کے صدقے ہمیں ایک دوسرے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمت کیا ماشاء پچھلی دفعہ کون سی تھی قرآن گیا پانی ڈال دیں پانی گیا